अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेला। आप देख रहे हैं सुहेला की रसोई। आज हम बनाएंगे चना बथुआ साग, वो भी मीट में। बहुत टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। एक कुकर ले लेंगे, उसमें दो टमाटर और एक अनियन रफली चॉप करके ऐड करेंगे। ये है 50 ग्राम ग्रीन चिलीज, ये फीकी वाली हैं, ये भी ऐड कर देंगे। और ये है चना साग, हमने इसे अच्छे से साफ़ करके और बारीक काट के धो के ये इसमें ऐड कर देंगे। चना और बथुआ 400 ग्राम चना, चना का साग और 100 ग्राम बथुआ अच्छे से धो के हमने काट लिया और इसको ऐड करेंगे। और दो बिसल लगाएंगे, इसमें भी और कुछ सामान गिरेंगे। सारा बथुआ ऐड कर दिया। ये है एक प्लेट खिचड़ी, ये भी ऐड कर देंगे हम। इसमें कच्चे चावल 50 ग्राम कच्चे चावल और एक मुट्ठी दाल भी ऐड कर सकते हैं वॉश करके। मेरे पे खिचड़ी पड़ी थी, मैंने ये ऐड कर दी। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है फ्रेंड्स ये। वीडियो पसंद आए लाइक करना। ये चने का साग ये उबल के तैयार हो गया। दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठंडा होने रख देंगे थोड़ी देर। सारा निकाल लिया। ये दूसरी एक हमने कढ़ाई ले ली, दो टेबल स्पून ऐड करें ऑयल के, और एक स्पून गार्लिक पेस्ट। ये 500 ग्राम गोश्त है मीट, इसको भी ऐड कर दिया और अच्छे से भून लेंगे लहसुन और तेल में वाइट होने तक। कलर चेंज हो गया। एक स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, हाफ स्पून टर्मरिक, हाफ स्पून चिली पाउडर, हाफ स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके भुनाई कर लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक, कच्चा गोश्त का कच्चापन ख़त्म होने तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे गोश्त को टेंडर होने के लिए, मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। 20 मिनट बाद चेक करेंगे। ये हमने चेक कर रहे हैं गोश्त को, गोश्त हमारा टेंडर हुआ नहीं। अच्छे से मिक्स करेंगे, गोश्त को तोड़ कर देख लेंगे अच्छे से, गोश्त गल गया नहीं, थोड़ी अभी कसर लग रही इसमें। 80% तक कुक हुआ है ये, अभी और पकेंगे, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको, कवर कर देंगे। 10 मिनट और कवर करके हमने पकाया। अब थोड़ा और स्पून चला लेंगे इसमें पैचुला। गोश्त हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये जो साग हमने ठंडा किया था इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक बैच कर लिया हमने, ये इसमें गोश्त में ऐड करेंगे। सेकंड बैच भी ऐसे ही पीस लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। जो ये हम चावल का आल दिया है, जैसे हम उसमें सरसों के साग में मक्के का आटा या गेहूं के आटे का आल देते हैं, इसमें चावल का आल देते हैं, इससे बहुत अच्छा लेस आता है और टेस्टी ऑथेंटिक रेसिपी है फ्रेंड्स। ये बहुत टेस्टी और अमेजिंग साग बना है। इसको एक बॉईल लगा लेंगे, अभी सिम पे रख देंगे, अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे। मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, थोड़ा सा नमक और ऐड किया है मैंने, आप भी टेस्ट कर लेना। अब कवर करके 10 मिनट के लिए सिम पे रखेंगे, तड़के की तैयारी कर लेंगे। एक दूसरा पैन ले लिया, उसमें एक स्पून ऑयल डाला, चार मिर्च सूखी लाल मिर्च, एक स्पून हींग, ये मेरे पे डली वाला था, गोंद टाइप का था मेरे पे हींग, ये मैंने ऐड कर दिया। ये है एक लहसुन का स्पून बारीक चॉप किया हुआ, एक स्पून ज़ीरा और दो स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तड़का अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, सीम आंच पे करेंगे। साग को हमारे बॉयल आ गया, मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब तड़का हमारा तैयार है, ऐड कर देंगे और ढक देंगे इसे फौरन, कवर कर देंगे पैन को। 10 मिनट बाद डिश आउट कर लेंगे। ये मक्की की रोटी के साथ चने का गोश्त वाला साग तैयार है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना
एंड शेयर करना, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। वीडियो पसंद आए, अल्लाह हाफिज़।